दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाषा और आप देख रहे हैं फूडी अभी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता मैंने बासी रोटियों से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, मटर और गाजर ले लिया था। फिर जो मैंने ना बासी रोटी थी ना, तीन यहाँ पर मैंने बासी रोटी ली है। आप इसे अच्छे से रोल कर दीजिए और इसको चाकू की मदद से लंबा लंबा काट दीजिए। ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे इसे और इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे क्योंकि रोटी टूटने का डर होता है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे गरम गरम ये खाएं, चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। कभी आपका मन करे कुछ अच्छा चटपटा खाने का तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने दो बाकी बची हुई रोटियों को भी ऑफ कैमरा कट कर लिया था। आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से करना है। फिर मैंने इसे एक थाली में ले लिया था और यहाँ पर मैंने घी गरम कर डाला है। तो यहाँ पर मैंने इसे घी गरम इसलिए कर डाला है ताकि जो रोटियाँ सूखी सूखी होती है ना बासी, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड हो जाए और ये खाने में और भी बढ़िया लगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं और सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने करा है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। फिर यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपको प्याज, मटर और गाजर को ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम में आपको पकाना है इसे 2 मिनट तक। और मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था ऑफ कैमरा, तो आप नमक भी डाल दें। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने रोटी को ऐड करा है और फ्लेम को बिल्कुल लो करा है। लो फ्लेम इसलिए रखी है ताकि जो ये रोटियाँ होती हैं नीचे से ना चिपकें। फिर यहाँ पर मैंने डाला है वाइट विनेगर। आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम में फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डाला है ब्लैक विनेगर थोड़ा सा, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट और एक अच्छा सा कलर मिल सके। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। फिर थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाली है लाल मिर्च। अगर आपके पास ओरिगेनो वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा लजीज नाश्ता बिल्कुल तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।